शिक्षण, ठीक है। शिक्षण का अर्थ देख लिया अपन ने, शिक्षण की परिभाषा देख ली अपन ने, शिक्षण का शिक्षण की प्रकृति देख ली अपन ने, शिक्षण के स्तर देख लिए, शिक्षण के स्तर देख लिए, शिक्षण के सिद्धांत देख लिए, शिक्षण के चरण देख लिए और शिक्षण के अवस्थाएं देख ली। और अब अपन देख रहे हैं प्रशिक्षण, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण का अर्थ है वो लिया गया है ट्रेनिंग से, यानी हिंदी में इसका रूपांतरण है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण को इंग्लिश में क्या, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का तो आप लोग जानते हो, यानी बार बार उस चीज का अभ्यास करना, किसी चीज या किसी वस्तु को लेकर बार बार अभ्यास करना ही एक प्रशिक्षण है, यानी एक ट्रेनिंग है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ट्रेनिंग। और इसका हिंदी रूपांतरण कौशल से लिया गया है। किससे लिया गया है? कौशल से। तो जैसे मान लो अपन ने शिक्षण का हिंदी अर्थ तो क्या था? शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या हो गई? शिक्षण हो गई। लेकिन कौशल के द्वारा किसी विशिष्ट वस्तु हो या किसी विशिष्ट कौशल हो, यानी वांछनीय जो एक हो, उसके आधार पर जो सिखाया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, वो कौशल, वो प्रशिक्षण होता है। यानी कौशल द्वारा किसी भी एक वस्तु को ले लो, या किसी एक तथ्य को ले लो, या किसी एक सिद्धांत को ले लो, या एक कौशल को ले लो, लेने के बाद में बार बार में उस चीज का अभ्यास करवाना ही प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण का जो वो है, प्रशिक्षण है वो अत्यंत व्यापक है, वो सॉरी अत्यंत अल्प है, और जो शिक्षण है वो व्यापक है। यानी शिक्षण तो चारों तरफ फैल रखा है, शिक्षण में तो अपन कहीं से भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण में केवल कौशल के द्वारा ही अपन बार बार जो ज्ञान, कौशलों के द्वारा ही जो विशिष्ट कौशल प्राप्त करते हैं वो कहलाता है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? कौशल से लिया गया है यहाँ पे। जैसे कौशलों के द्वारा जो बार बार अभ्यास कराए जाते हैं, जो वो करवाए जाते हैं, वो प्रशिक्षण कहलाते हैं। और शिक्षण के अंतर्गत ज्ञान के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, या ज्ञान के द्वारा जो शिक्षा के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है वो शिक्षण कहलाता है। और प्रशिक्षण के अंतर प्रशिक्षण है वो है कौशल के अंतर्गत जो बार बार विशिष्ट कौशलों का जो अध्ययन करवाया जाता है वो प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण का अर्थ पता चल गया ट्रेनिंग से, और यहाँ पे कौशल से लिया गया है। और यहाँ अपन देखेंगे परिभाषा। तो ये परिभाषा है वो है, अपन ने यहाँ पे दो ही परिभाषा दी है। एक तो है थॉमस ग्रीन के अनुसार। किसके अनुसार? तो थॉमस ग्रीन के अनुसार। ये एक शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने प्रशिक्षण की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। वो कौन सी है? देखो, वांछनीय व्यवहार के प्रशिक्षण में, यानी वांछनीय यानी जो अधिक है, वो जो कौशल के द्वारा है, वांछनीय व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि का प्रकटीकरण अत्यंत अल्प होता है। यानी जो प्रशिक्षण है, अपन शिक्षण में तो क्या है, अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो शिक्षण को ना चारों तरफ के ज्ञान का प्राप्त करता है। तो उससे क्या है, बुद्धि का विस्तार होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन प्रशिक्षण में क्या है, अपन छोटे अल्प अत्यंत अल्प प्रशिक्षण का अध्ययन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि का प्रकटीकरण कम होता है, यानी इसमें बुद्धि कम उपयोग में ली जाती है। इसमें केवल एक ही कौशल के आधार पर ज्ञान दिया जाता है, या एक ही कौशल को सिखाया जाता है। प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, यानी जो प्रशिक्षण है वो फैक्ट है। जैसे मान लो किसी कौशल के ऊपर अपन, जैसे मानदंड है, मानदंड के आधार पर अपन कौशल सीख रहे हैं, तो वो क्या है कि ग्लोब है या फिर कुछ मानचित्र है, तो वो एक स्किल हो गया, यानी एक कौशल हो गया मानचित्र को देखना, यहाँ पे बताना। तो वो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, यानी वो फैक्ट है, उसमें कोई काल्पनिक नहीं है। जिसे व्यक्ति गत्यात्मक कौशल के रूप में प्रशिक्षण द्वारा अर्जित करता है, यानी गति के रूप में, कि वो देखता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी देख देख के ही उस कौशल को अपने अंदर सीखता है या ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कौशल प्रशिक्षण का तो सीधा सा अर्थ यह है कौशल से निकलता है, यानी किसी भी कौशल को सीखना, या बार बार उस चीज को देखना, या
बार बार उस क्वेश्चन को देखना ही प्रशिक्षण कहलाता है। दूसरी परिभाषा है अपनी थॉमस ग्रीन के अनुसार, तो देख लिए दूसरी परिभाषा है अपनी डॉक्टर और आर ए शर्मा के अनुसार। अब देखो डॉक्टर आर ए शर्मा ने भी यही बताया है कि प्रशिक्षण है उससे क्या है कि कोई भी शिक्षक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण एक कौशल के आधार पर सिखाया जाता है या कौशल के आधार पर ही उसको बताया जाता है, और बल्कि भी शिक्षण में क्या है पूरे ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो अब इसमें देखो डॉक्टर आर ए शर्मा ने बताया है कि प्रशिक्षण संस्थाओं में भी, यानी प्रशिक्षण की जो संस्था है, कौशल की जो संस्था है, उनमें भी मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, यानी जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उनमें भी अधिगम सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, यानी सीखना जो सिद्धांत है, जो रटाना जो बताना जो सिद्धांत है, उन पर भी बल दिया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में भी, यानी जो प्रशिक्षण सिखाया जाता है जिन संस्थाओं पर प्रशिक्षण या जिन संस्थाओं पर कौशलों को दिखाया जाता है, कौशलों को बताया जाता है, वहाँ पर भी मनोविज्ञान है, उन मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे प्रभावशाली शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे, यानी जो ये मनोविज्ञान है वो प्रभावशाली शिक्षक, इंटेलिजेंट शिक्षक या जो उनसे जो प्रभावित हो स्टूडेंट, वो नहीं कर पा रही है, शिक्षक तैयार नहीं कर पा रही है। अतः इस विचारधारा का जन्म हुआ, कौन सी विचारधारा का जन्म हुआ, इस विचारधारा का जन्म हुआ कि शिक्षण कार्यों का विश्लेषण, यानी जो ये विश्लेषण है, कार्यों का विश्लेषण है, वो किया जाए, मनोविज्ञान के अंदर जो अधिगम सिद्धांत है उनका तो खात्मा किया जाए और कार्यों का विश्लेषण किया जाए, जिससे शिक्षण के कार्य अधिगम के स्वरूपों को विकसित कर सके, यानी सीखने के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उनको विकसित कर सके। यानी डॉक्टर आर ए शर्मा ये बताते हैं कि जो ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के संस्थानों में जो मनोविज्ञान है वो अपने अधिगम सिद्धांतों पर बल तो देती है, क्या करती है, यानी अपने अधिगम सिद्धांतों को दिखाती तो है, बोलती तो है, लेकिन उनमें प्रभावशाली शिक्षकों का विकास नहीं कर सकती या उनको तैयार नहीं कर सकती। इसीलिए ये बोल रहे हैं डॉक्टर आर ए शर्मा कि अगर आप मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों का खात्मा करते हो और कार्यो विश्लेषण को जन्म देते हो, जन्म होता है, तो उससे शिक्षण के कार्यों का विश्लेषण किया जाए, यानी जो शिक्षण है प्रशिक्षण के अंदर ही शिक्षण को लिया जाए। वैसे शिक्षण के अंदर प्रशिक्षण तो है, क्योंकि इसका तो जो स्वरूप है, इसका तो जो मान वो है, वो छोटा है आकार और शिक्षण का बड़ा है, तो इसीलिए शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण तो है, लेकिन प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षण नहीं है। तो इसमें भी शिक्षण के कार्यों का विश्लेषण किया जाए, यानी जो शिक्षण के अंतर्गत जो कार्य है उनको लिया जाए, तो इससे शिक्षण के कार्य अधिगम स्वरूपों को विकसित कर सकता है, यानी जो शिक्षण के जो कार्य हैं उनको विकसित कर सकता है, प्रशिक्षण के कौशलों को भी विकासशील बना सकता है। और अब आगे हैं अपने प्रशिक्षण के उद्देश्य। प्रशिक्षण का अर्थ और परिभाषा अपन ने देख लिया। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग, यानी कौशल से लिया गया है, और प्रशिक्षण की जो परिभाषा है वो थॉमस ग्रीन व डॉक्टर आर ए शर्मा के द्वारा बताई गई है। तो अपन अब प्रशिक्षण में ही आगे बढ़ते हैं, और प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, यानी जो ये प्रशिक्षण है, जो ये ट्रेनिंग है, जो ये कौशल है, वो कौन कौन से उद्देश्य को रखकर कार्य करता है। तो ये है कार्य सेवा शर्तों में सुधार करना, कि जैसे मान लो कोई एक विशिष्ट कौशल है, विशिष्ट उस कौशल के ऊपर बार बार कार्य कर रहा है, तो उसमें सुधार तो अनिवार्य रूप से हो गई। तो ये यानी कार्य सेवा शर्तों में सुधार करना ही किसका उद्देश्य है, प्रशिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा है अपने किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना, यानी जो विशिष्ट क्षेत्र क्या हो गया, एक कौशल हो गया, कि कौशल के अंदर अगर एक व्यक्ति कार्य करता है और
रहता है। जैसे मान लो कहीं कहीं बच्चों की हॉबी होती है, रुचि होती है कि उसको मैथ अच्छी लगती है, तो वो बार बार उसके अंदर मैथ के अंदर बार बार सवाल निकलता है और उसके नंबर जब मेधावी छात्राओं के अंदर आता है तो वो कुशलता प्राप्त कर लेता है, यानी 10th क्लास में या 12th क्लास में या उनमें, तो परसेंटेज के आधार पर ही वो मेधावी छात्रों में कुशलता प्राप्त कर लेता है। यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना भी किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का। ठीक है, प्रशिक्षण का तीसरा उद्देश्य है वो है किए जाने वाले कार्य के सभी पक्षों का सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो शिक्षण है, शिक्षण में तो क्या है कि इसमें तो विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, शिक्षण में तो चारों तरफ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और प्रशिक्षण में केवल एक का, एक के ऊपर ज्ञान प्राप्त किया जाता है या एक के ऊपर सीखा जाता है। तो इसमें यही है कि किए जाने वाले कार्य को, यानी जैसे ही अपन कोई किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने में जो पक्ष, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक सारे पक्ष, जो उद्देश्य के सारे पक्ष है, उन सारे पक्षों का सूक्ष्मतम रूप यानी छोटा रूप का ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। किसमें? प्रशिक्षण में। और शिक्षण में सारे का ही अधिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है शिक्षण के अंदर तो, और प्रशिक्षण के अंदर अंदर सूक्ष्मतम रूप यानी छोटा रूप ज्ञान, छोटे रूपों को ही ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे ही प्रशिक्षण का ये उद्देश्य हो गया। अब चौथा उद्देश्य है कार्य के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी अर्जन करना। यानी ये जो प्रशिक्षण है इसके अंदर सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहार को भी लिया गया है। यानी व्यवहार, सिद्धांत तो एक क्या हो गए, तथ्य हो गए, वो तो एक मनोविज्ञान के आधार पर है, सिद्धांतों के आधार पर व्यवहारिक ज्ञान को भी अर्जन किया जाता है। किसके अंदर? प्रशिक्षण के अंदर। पांचवा पॉइंट है अपना, वो है कार्य दक्षता प्राप्त कर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना। यानी जैसे ही अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को जब वो कार्य दक्षता में परिपूर्ण हो जाता है, निपुण हो जाता है, तो उस कार्य को प्राप्त करने के बाद में ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करता है। यानी जो अपने अंदर जो एनर्जी है वो वहाँ तक तो उस कार्य को करता ही जाएगा। तो ये किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण का छठा और लास्ट उद्देश्य है कार्य रीति में परिमार्जन करना। यानी जो कार्य करने की जो रीति है, जो क्षमता है, उसमें परिमार्जन करना, यानी वो कभी भी कटाव नहीं करता। तो शिक्षण के ये अपने छह उद्देश्य थे। छह उद्देश्यों में देखो इसमें तो सुधार करेगा ही, अगर वो उस कार्य में निपुण हो जाएगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही कार्य क्षमता में सुधार आ जाएगा या कार्य सेवा शर्तों में सुधार कर लेगा। और इस दूसरे में है इसी विशिष्ट क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, एक ही कौशल द्वारा उस कार्य को सीखता है, तो उसमें निपुणता आके वो कुशलता को प्राप्त कर लेता है। तीसरा है किए जाने वाले कार्य के सभी पक्षों का सूक्ष्मतम रूप, मतलब शिक्षण के अंतर्गत ही प्रशिक्षण को लिया गया है। शिक्षण एक विस्तार, शिक्षण का रूप विस्तार है और प्रशिक्षण का रूप छोटा या अल्प है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहार के ज्ञान को भी लिया गया है। और पांचवा है ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना, उचित है कार्य रीति में परिमार्जन करना। तो अपन ने प्रशिक्षण के उद्देश्य तो देख लिए, अब अपन प्रशिक्षण की विशेषताएं देखेंगे।